और मार्च और लाहौर लेफ्ट फ्रंट की तरफ से कश्मीरी आवाम के साथ यकजहती के लिए मुनक्कद किया गया था। हमारा सबसे पहला मुतालबा है कि कश्मीर से फौरी तौर पर कर्फ्यू ख़त्म किया जाए, मीडिया पर पाबंदियां ख़त्म की जाए, वहां पर लोगों को इंसानी ज़िंदगी का हक दिया जाए, कश्मीरियों की जो खसूसी हैसियत ख़त्म की गई है वो फौरी बहाल की जाए, 370 जो ख़त्म किया है उसको बहाल किया जाए। और हमारा ये मुतालबा है कि कश्मीर के हर जानब आवाम को अपने मुस्तकबिल के फैसला करने का पूरा इख्तियार होना चाहिए, वो हक़ खुदरादियत बशमूल अलहदगी के हक़। ये हमारा लाहौर लेफ्ट फ्रंट का ये मुतालबा है कि अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों के तहत जो वहां पर प्लेबिसिट का मुतालबा करते हैं और पाकिस्तानी रियासत का बयानिया हक़ खुदरादियत का था, ज़ियाउल्लाह के दौर से ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा इन्होंने बनाकर कश्मीर की तहरीक को नुकसान पहुंचाया। हम कश्मीर के आवाम के हक़ खुदरादियत की मुकम्मल हमायत करते हैं। हम यहाँ पे जो हमारे कश्मीर के कम्युनिस्ट रहनुमा बेदग्रामी साहब CPIM के रहनुमा को और कश्मीर के दीगर रहनुमाओं को जो गिरफ्तार किया गया है उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। और हम शैला रशीद को जिसके खिलाफ आज पूरे भारत के हिंदू जनूनी पीछे पड़े हुए हैं कि एक छोटी सी लड़की कश्मीर की आजादी की बात क्यों कर रही है, शैला रशीद के साथ हम मुकम्मल अजहार यकजहती करते हैं। कॉमरेड शैला को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड शैला को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड शैला को लाल सलाम, लाल सलाम। शैला रशीद, शैला रशीद आप अकेले नहीं है, पाकिस्तान के सारे मेहनत का शबाब तुम्हारे ट्विटर पर दिए गए पैगाम की हमायत करते हैं। कहते हैं शैला रशीद को गिरफ्तार करो, उसको जेल में डालो, जिस तरह पाकिस्तान में हमारे खिलाफ टॉप ट्रेंड बना दिया जाता है, इसी तरह शैला रशीद के खिलाफ भी कल से टॉप ट्रेंड के शैला रशीद को गिरफ्तार करो। और क्यों डरते हो एक निहत्ती लड़की से, एक लड़की से डर रहे हो तुम? और वो JUN की तालब इलम रहनुमा, मेहनत कश रहनुमा, बाएं बाजू की रहनुमा। और हम भारत के मेहनत कशों और बाएं बाजू को खराज तहसीन पेश करते हैं, हम कविता कृष्णन को खराज तहसीन पेश करते हैं जो 5 दिन तक कश्मीर का विजिट करके जिसने ये कहा पूरा कश्मीर जेल बन गया है, एक कैद खाना है, ये बिल्कुल पिंजरा बन गया है, जिसने कहा कर्फ्यू सिर्फ श्रीनगर में नहीं पूरे कश्मीर के अंदर है। और ये जो रिपोर्ट था सफे की रिपोर्ट जिसके खिलाफ अब हिंदुस्तान के जुनूनी पड़े हुए हैं, आज पाकिस्तान के बाएं बाजू का और हिंदुस्तान के बाएं बाजू का एक ही मुतालबा है, कश्मीरियों के साथ अजहार यकजहती करना। ये है आज हमारी यूनिटी। और आज हम तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जो बड़ी तादाद में आए, समाजी तंजीमों तहरीकों का, ट्रेड यूनियंस का, सियासी पार्टियों का, पीपल्स पार्टी का, नेशनल पार्टी का, अवामी नेशनल पार्टी का और लेफ्ट फ्रंट के साथ शामिल हमारे जो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट मूवमेंट है, पाकिस्तान किसान मजदूर किसान पार्टी है,
अवामी वर्कर्स पार्टी है और अवामी वर्कर्स पार्टी का 23 अगस्त को महंगाई के खिलाफ मुजाहरा होगा, उसमें भी आप प्रेस क्लब के बाहर भरपूर शिरकत करें। और इसके अलावा पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन का और उसके साथ पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कंपेन का और सबसे बढ़कर हमारे प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव का और हकूक खलक मूवमेंट का और औरत मार्च का, जिन्होंने आज के इस मार्च को कामयाब बनाया, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मीटिंग के बाद अगला ऐलान करेंगे। आपने देख लिया, ये कहते थे बायां बाजू किधर, आज बायां